हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरे स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज की वीडियो है वीवो का Y51 जो कि अभी अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। मात्र इसको कुछ टाइम लॉन्च हुआ है, मतलब कि मार्केट एक दिन हुआ है, मतलब कि एक दिन लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, लुक वाइज ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर आपने चला के देखना है तो बालाजी कम्युनिकेशन शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूँ, सारी डिटेल बताने वाला हूँ, बकायदा इसका प्राइस क्या है, ए टू जेड इसके फीचर्स बताने वाला हूँ, मतलब ए टू जेड नहीं, कुछ इसके खास खास फीचर बताने वाला हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बहुत जल्दी इसके साथ कंपेरिजन भी आने वाले हैं, कंपेरिजन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो ताकि आपको वीडियो मिल जाए। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने परचेज करना है, चला के देखना है तो बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हैं, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लुक आप चेक कर सकते हो वीवो के Y51 की, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, काफ़ी ऑसम लग रहा है। ये है मेरे हाथ में है ब्लू कलर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना। तो आज की डिटेल में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। प्राइस ये आपको मिलेगा 17,990 रुपये का, मतलब कि लगभग 18,000 का ये आपको वीवो का Y51 देखने को मिलेगा मॉडल, ये वाला जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। अब बताते हैं इसके डिस्प्ले की साइज, मतलब कि फुल डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको मिलेगी 6.58 इंच, लगभग 6.6 के आसपास, ठीक है। तो जो डिस्प्ले क्वालिटी मिलने गई है वो आपको फुली HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी। देखा जाए तो IP डिस्प्ले को अगर रेटिंग दिया जाए तो वो आपको रेटिंग मिलेगा 10 में से 7, ठीक है। मतलब कि IPS डिस्प्ले आ जाती है, फिर AMOLED डिस्प्ले आती है, फिर सुपर AMOLED डिस्प्ले आती है। इसके हिसाब से मैं रेटिंग दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लुक के वाइज में, फ्रंट कैमरा आपको इसका देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, जो कि बटर ड्रॉप नोच में देखने को मिलेगा 18,000 के बजट में। आप मुझे बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइट साइड में आपको पावर लॉक बटन मिलेगा, उसके ऊपर आपको फिंगरप्रिंट लॉक मिलेगा, साथ में वॉल्यूम की रोकर का अप डाउन का बटन मिलेगा। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड आपको एकदम क्लीन मिलेगी। अगर अप की बात करते हो अप में आपको सिम स्लॉट मिलेगा, जिसमें आप दोनों सिम डाल सकते हो, साथ के साथ एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो जो कि 1 TB तक सपोर्ट करेगा। अगर हम बात करते हैं नॉइस कैंसलिंग का, मैक भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम डॉन की बात करते हैं, डॉन में आपको मेन माइक देखने को मिलेगा, सॉरी स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी, और टाइप सी आपको चार्जर देखने को मिलेगा, और मेन माइक देखने को मिलेगा, और फिर आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। अगर हम बैक की बात करते हैं तो बैक में आपको मैट फिनिशिंग मिलती है थोड़ी सी, ठीक है, और शाइनिंग भी है जो मैट भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैक में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जो कि आपका रहने वाला है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, मतलब कि ये आपका रहेगा 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। साथ में आपको देखने को मिलेगी फ्लैश, कुछ यहाँ पे आपको कैमरा के शेयर किया कि ये कौन सा रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इसके लुक के बारे में, लुक वाइज इसके मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, आपका क्या ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट में, तो मुझे लगता है कि पंच होल कैमरा मुझे ज़्यादा पसंद है, बाकी आपको बटर ड्रॉप पसंद है, पंच होल कैमरा पसंद है, या फिर इनकी जो वीवो V20 Pro में आई है नोच वो वाली पसंद है, क्योंकि वो एप्पल की टैप आ जाती है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे की लुक चेक कर लेते हैं कैसा है इसका। सॉरी फ्रेंड्स, तो ये इसका कुछ फ्रंट कैमरा है जो कि फेस स्कैन कर रहा है अभी, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया कर रहा है। एक चीज़ और बता दूँ कि ये एंड्रॉयड 11 पे काम करने वाला है, तो ये आप चेक कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। एक शॉट ले लेते हैं, ये चेक कर सकते हो, फोटो क्वालिटी कुछ इसकी ऐसी आने वाली है जो कि आप चेक कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। फोटो डिटेल्स भी इसकी काफ़ी बढ़िया आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ फ़ोटो सैंपल्स, ये देख सकते हो कि ये मेरा खींचा गया है जब मैं फ़ोन मतलब कि इसके फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहा था तब की, तो ये काफ़ी बढ़िया फ़ोटो सेशन भी इसका काफ़ी बढ़िया। आप देख लेते हैं इसका कुछ बैक कैमरा, इसको क्लियर कर देते हैं, इसके बैक कैमरे की डिटेल देख लेते हैं कुछ कैसी है। तो ये आप चेक कर सकते हो बैक कैमरा, कुछ मैं थोड़ा सा अप कर देता हूँ। तो बैक कैमरे में सबसे पहले हम जूम देखते हैं कितना है, ये आप चेक कर सकते हो, ये जूम 10x जूम है, ठीक है। तो जूम के मामले में भी ठीक है, मतलब कि हाँ, अभी हमने अगर कोई फोटो वोटो खींचनी हो तो ठीक है। उसके बाद आप फीचर्स देख लेते हैं कैमरे में, आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो फ्रंट कैमरा चला लेते हैं। तो फ्रंट कैमरे में आपको नाइट मोड देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको नॉर्मल मतलब कि जो आपको पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको नॉर्मल फोटो मोड मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, और मोर मिल जाता है, जिसके अंदर काफ़ी फीचर्स रहते हैं। थोड़ा मैं कैमरे को भी सेट कर लूँ, इसमें और भी फीचर्स रहते हैं, जैसे पनोरमा मोड हो गया, आप 48 मेगापिक्सल में पूरी फोटो खींचना चाहते हो वो आपको देखने को मिल जाएगी, और ये आपको लाइव फोटो फोकस मिल जाएगा, स्लो मोशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, टाइम लाइफ देखने को मिल जाएगी,
और प्रो आपको मोड मिल जाता है जिसमें कि आप इसका लेंस जैसे कैमरे से कुछ फोटो खींचते हैं ना DSLR से, वो वाला मोड होता है, इसमें सेटिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट मोड मिल जाता है ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसमें और फीचर्स लेने जैसे अपने मुँह पे लिपस्टिक लगानी है, मतलब कि आपने गोरा चिट्टा करना है तो यहाँ पे फेस ब्यूटी का ऑप्शन मिल जाता है ठीक है। अदरवाइज आपने कलर टोन सेट करनी है तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर तीन बॉल है, उसके ऊपर आप जो भी बैकग्राउंड कलर टोन हल्का सा पिंक करना चाहते हो, जो भी शेडो देना चाहते हो इजीली यहाँ से दे सकते हो ठीक है। तो सेम ऑप्शन आपको बैक कैमरे में मिल जाते हैं ठीक है, बैक कैमरे में आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं जो कि फ्रंट कैमरे में मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल अगर हम ऊपर से स्वैप करते हैं और क्या आपको देखने को मिल जाता है इसमें, वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है, वीडियो कहते हैं सॉरी स्क्रीन रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाता है, इजीली ब्लैक एंड वाइट मिल जाता है। उसके बाद अगर आपने सिंगल टच करोगे इसमें आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट आपने इजीली लेनी है तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फनी फेस को आपने एडिटिंग करना है या फिर आप फनी फेस की करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, जो कि बढ़िया ऑप्शन रहता है इजीली ठीक है। जिनको नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हो ठीक है। आई होप कि आपको कुछ मेरी वीडियो में बेनिफिट मिल रहा होगा। आपको इजीली मोड मिल जाते हैं, अगर और मोड की बात करते हैं तो आपको इधर भी कुछ मोड मिल जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रा गेमिंग मोड मिल जाता है, ये अगर आपने स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करना है ये वाला मोड मिल जाता है, कैलसी मोड मिल जाता है आपको शॉर्ट में बहुत बढ़िया है, उसके बाद आपको वाइब्रेट मोड मिल जाता है, ये तो खैर बेसिक ही रहता है, हॉटस्पॉट रहता है। उसके बाद अल्ट्रा गेमिंग देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा गेमिंग में ये आपको सारा मिल जाता है, जैसे कि पबजी में स्पेशल इफेक्ट रहता है ना कि बंदा इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, वो यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली, आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। गेम खेलते समय नोटिफिकेशन आए या ना आए उसका ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, डिस्टर्बिंग ना हो, ये काफ़ी ऑप्शन है आपको गेमिंग अल्ट्रा गेमिंग में काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इसके फीचर्स की, एक चीज़ और बता दूँ कि अगर एप्लीकेशन डबल करनी है तो पहले क्या होता था कि हम तो फ्रेंड्स डबल करने के लिए पहले क्या होता था कि हम इसको प्रेस करके रखते हैं तो डबल एप्लीकेशन हो जाती, पर ऐसा नहीं है, अब आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में आप जैसे मर्जी जा सकते हो, यहाँ पर आपको जाके सिर्फ क्लोन एप्लीकेशन लिखना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लोन एप्लीकेशन ठीक है, ये आपको मिल गया क्लोन एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे जो एप्लीकेशन डबल हो सकती है वो आप इजीली डबल कर पाओगे ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी यहाँ पे बल्कि सेटिंग में जाके क्लोन एप्लीकेशन आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अभी फेसबुक है इसको आप ऑन कर दोगे तो आपकी क्लोन एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी ठीक है, जो कि आपको अभी क्लोन एप्लीकेशन बन रही है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनते। पहले इजी था, पहले आप प्रेस करके रखते तो आपका क्लोन एप्लीकेशन तैयार हो जाती है। अब क्लोन एप्लीकेशन जैसे तैयार होगी ये देख सकते हो, जैसे फेसबुक 1 और फेसबुक 2 ठीक है एंड 2 ठीक है, ये होगी क्लोन एप्लीकेशन। अब इसको हटाने के लिए भी सेम आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, जैसे सेटिंग में जाके आप क्लोन यहाँ से लिख सकते हो या फिर आप वैसे भी जा सकते हो ठीक है। मैंने CL लिखा था, शॉर्ट फॉर्म में ही आ गया था तो क्लोन एप्लीकेशन आ गई थी ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लोन ऐप लिखा हुआ है, आप इसको बंद करोगे तो क्लोन एप्लीकेशन अपने आप वहाँ से गैप हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे पहले 2 एप्लीकेशन थी अब 1 होगी ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट्स का आपको पता होगा, ऊपर से नीचे से खींचना ऊपर से खींचना सब स्क्रीनशॉट आ जाती है, 3 फिंगर के साथ डबल एप्लीकेशन करने का वही सिस्टम रहता है ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आप चेक कर सकते हो। ओवरऑल लुक के बारे में आप मुझे बताना कि कैसा लगा है ठीक है। तो ये आप फर्स्ट लुक देख रहे हैं वीवो Y51 की। तो ये मैंने कुछ लाइट ले फीचर्स बताए हैं, गेमिंग अगर टेस्ट चाहते हो अगर आप इसके ऊपर आए तो कमेंट करके बता देना तो आपको गेमिंग टेस्ट भी मिल जाएगी। बाकी मैंने कैमरा कुमरा सारा इसके दिखा दिए है, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो एक बार आप फ्रंट कैमरा देख सकते हो, तो ये जो पीछे लाइटें आ रही हैं कैमरे के पीछे ऊपर लाइटों का इफेक्ट आ रहा है इसके पीछे ठीक है ना। तो कुछ लाइटें ऐसे होती हैं जिसके कारण ऐसे लाइटें आती हैं ये देखो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, मैंने इसकी सारी डिटेल बता दी है। अब फाइनली मैं बताता हूँ इसका वेरिएंट, आपको ये मिलेगा 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ, प्रोसेसर आपका देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 665 जो कि ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी आपको 5000mAh की मिलेगी 18W के फास्ट चार्जर के साथ ठीक है। तो ये था इसका पूरी डिटेल ठीक है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनल मैंने इसकी सारी डिटेल बता दी, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। इसमें क्या फीचर अच्छा लगा आपको कमेंट करके बता देना। बाकी मुझे पंचोला पसंद है तो वाटर ड्रॉप मुझे थोड़ा और लगता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन सेट करनी है मुझे कमेंटों में बताना, पर कमेंटों में गाल नहीं कटनी ठीक है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल एक चीज़ बता दूं कि 18000 का ये आपको फ़ोन मिलेगा। जाते जाते मैं सारी डिटेल बता देता हूँ जल्दी में। बैक में आपको 3 कैमरे मिलेंगे, 48MP, 8MP, 2MP। फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा मिलेगा और इसमें आपको 1 TB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, 2 SIM स्लॉट मिलेंगे। बैटरी आपको मिलेगी इसकी 5000mAh की और साथ के साथ आपको इसका 18W का फास्ट चार्जर मिलेगा, टाइप सी चार्जर मिलेगा, 3.5mm का हेडफोन जैक मिलेगा। ये आपको आप देख सकते हो नीचे क्या क्या सहूलत मिलती है, ऊपर आपको सिम स्लॉट डालने का ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा, बाकी आप चेक कर सकते हो।
ओवरऑल ये सारी थी डिटेल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। कंपैरिजन किसके साथ देखना चाहते हैं कमेंट करके बता देना, तो आपको बहुत जल्दी कंपैरिजन में मिल जाएगी। बाइक को सपोर्ट करना है, कुछ वीडियो में गलती बोली गई तो माफ़ करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।